अगर आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और जुपिटर अकाउंट और फाइव बनी में अकाउंट ओपन करने में आप अटक गए हैं कि कौन सा बैंक सबसे बढ़िया है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कौन सा बैंक आपके लिए बेटर हो सकता है और कौन से में आपको ज़्यादा रिवॉर्ड, ज़्यादा कैशबैक मिलता है और आपको कहाँ पर ट्रांजेक्शन फीस या फिर अदर फीस के नाम पर पैसे नहीं कटा जाता है, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये दोनों की दोनों बैंक डिजिटल बैंक है, इनका बैंक ऑफिस नहीं है। आप सिर्फ आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं अकाउंट में और विड्रॉल करने के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड मिल जाता है। सबसे पहली बात, जब आप इंडिया में रहते हैं आपको पता ही होगा, जब आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो उसी बैंक का RBI अप्रूव होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ये दोनों के दोनों बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेटर नहीं है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों की दोनों बैंक फाइव मनी और जुपिटर दोनों बैंक ही फेडरल बैंक के साथ टाई अप है। जितना भी बैंकिंग का काम होता है सारा बैंकेट में फेडरल बैंक ही संभालता है। तो क्या हम ये समझे जुपिटर अकाउंट और फाइव मनी अकाउंट सेम होगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों बैंक ही फेडरल बैंक के साथ टाई अप है? तो सेम नहीं है, ये अलग अलग है। तो चलिए जानते हैं इसके डिफरेंसेस के बारे में। सबसे बड़ा डिफरेंसेस तो यही होगा, अगर आप जुपिटर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये कोई भी कर सकता है। आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, आप काम करते हो प्रोफेशनली, तो आप खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग फाइव मनी में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जो लोग सैलरी लेते हैं, वो लोग ही वहाँ पर ओपन कर सकते हैं। जबकि जुपिटर में ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है और वहाँ पर प्रो सैलरी अकाउंट भी बनाया जा सकता है। जैसे कि आपका फाइव मनी में ऐसा नहीं है, वहाँ पर सिर्फ सैलरी अकाउंट ही बनता है। अभी ऐसे लग रहा है कि जुपिटर अकाउंट सबसे बड़ा स्ट्रांग होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं कुछ फील्ड देता हूँ, जहाँ पर कुछ सेक्शन देता हूँ, जहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा अकाउंट सबसे बेस्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा सेक्शन में आपको कौन सा बैंक सबसे बढ़िया प्रॉफिट दे रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे, जीरो बैलेंस अकाउंट आप दोनों बैंक में ही खोल सकते हैं, फाइव मनी में और जुपिटर में। इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो फाइव मनी में ऐसा कोई स्कीम नहीं है, जबकि जुपिटर में आपको 2 लाख रुपए का कवर करेगा। साथ ही एक्सीडेंटल कवर भी आपको मिलेगा 5 लाख रुपए तक का जुपिटर में, और फाइव मनी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसके बाद डेबिट कार्ड रिवॉर्ड और UPI रिवॉर्ड में 1% का कैशबैक आपको मिलेगा जुपिटर में, जबकि फाइव मनी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई कैशबैक मिले। तो ये सभी को देखकर लगता है कि फाइव मनी थोड़ा सा मतलब कि डाउन है और जुपिटर सबसे बेस्ट है, आपको ऐसा लग रहा होगा। आगे चलते हैं, आपको पता लग जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक फॉरेक्स फीस के ऊपर आपको 1 लाख से ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो 3.5% का आपको चार्जेस लगेगा फॉरेक्स ट्रांजेक्शन में जुपिटर में, जबकि फाइव मनी में ऐसा कोई ट्रांजेक्शन करने पर आपको फीस नहीं लगेगा। और ऑन डिमांड सैलरी आपको यहाँ पर फाइव मनी में नहीं है, जबकि जुपिटर में है। आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि आपको कौन सा बैंक में अकाउंट खोलना है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप यहाँ पर दोनों अकाउंट में अकाउंट ओपन करते हैं तो ऑनबोर्डिंग का जो स्टाइल है, ऑनबोर्डिंग का जो प्रोसेस है, दोनों के दोनों बैंक में लगभग सेम है। वहाँ पर कोई भी कोई प्रोसेस में चेंज नहीं है, क्योंकि इसका बैकएंड जो है फेडरल बैंक संभालता है, एक ही बैंक संभालता है, इसलिए कोई मतलब कि यहाँ पर चेंजेस नहीं है। यहाँ पर प्ले स्टोर की फीडबैक को हम समझते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। जैसे कि फाइव मनी में यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड 5 मिलियन प्लस है, जबकि जुपिटर में 1 मिलियन प्लस है। रेटिंग की बात करें तो फाइव मनी में 4.5 की रेटिंग है, जबकि जुपिटर में 4.4 की रेटिंग है। अगर आप रिव्यू की बात करें तो फाइव मनी में 1,33,000 लोग यहाँ पर रिव्यू दिए हैं, जबकि जुपिटर में 2,87,000 लोग यहाँ पर रिव्यू दिए हैं। अब एप्लीकेशन की साइज़ की बात करें तो 40 MB है फाइव मनी का, लेकिन 30 MB है जुपिटर मनी का। इसके बाद रिलीज डेट की बात करें तो नवंबर 2021 को ये रिलीज हुआ था फाइव मनी, जबकि जुपिटर रिलीज हुआ जुलाई 2021 को। अब तो आप क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा बैंक आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, जुपिटर रहेगा या फिर फाइव मनी। अगर आपके पास पहले से ही फेडरल बैंक में अकाउंट है तब तो आप जुपिटर अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप फेडरल बैंक में अकाउंट नहीं बनाए हैं तो आप इन दोनों बैंक में से, मैं यहाँ पर जो डिफरेंस बताए, आप इसके बेसिस में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, ये दोनों के दोनों बैंक का डिफरेंसेस मैं यहाँ पर वेबसाइट और इनका एप्लीकेशन में खुद ढूंढ कर लाया, तो ये बाद में चेंज हो सकता है, लेकिन अभी के लिए 2022 तक यही इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। आई होप कि आप फाइनल कर चुके हैं कि ये दोनों बैंक में से कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट होगा, किस बैंक में आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा।
अगर आप फिर भी कोई कन्फ्यूजन में है, कोई भी डाउट में है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना भूलिएगा मत।